अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक टू का यूनिट नंबर 9 करेंगे, द रेनेसा, जिसका आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर से रिलेटेड। और आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन द रेनेसा। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यूरोप में पहले ग्रीक की हुकूमत थी, वो लोग बहुत सिविलाइज लोग थे और बहुत एडवांस थे। और जो इसके बाद जो रोमन्स आए वो भी ऐसे ही थे, उनके पास भी काफ़ी नॉलेज थी, उन्होंने भी काफ़ी काम कर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यूरोपियंस का डार्क एज चलता है जिसमें जंगें बहुत होती हैं। ठीक है, इसके बाद वो लोग किस तरफ चले जाते हैं, वो दौर गुजर जाता है, वो लोग मिडिल एज की तरफ बढ़ते हैं। जब वो मिडिल एज की तरफ बढ़ते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम ग्रीक और एंशंट रोमन के जो लोग हैं, यानी पुराने जो लोग हैं ग्रीक और रोमन के, जो नॉलेज छोड़ के गए हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी से सिविलाइज सोसाइटी में तब्दील हो जाएंगे और जल्दी से सीखने का हमारे पास जो है वो होगा, मवाद होगा, हमारे पास किताबें होंगी, तो हम जल्दी फटाफट क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे और उनकी तरह सिविलाइज होकर रह सकेंगे। यानी उन्हें आगे बढ़ने के लिए पुराने लोगों की नॉलेज को गेन करना होगा, उसे सीखना होगा, उनके विजडम को समझना होगा। ठीक है, तो वो लोग फैसला करते हैं और यूरोपियंस, लेकिन जो मिडिल एज के थे वो सब सारी नॉलेज और विजडम भूल चुके थे, जो कुछ एंशंट ग्रीक और रोमन छोड़ के गए थे उनके बारे में उन्होंने सब भुला दिया था। अब क्या था, इस पर कौन काम कर रहा था, ग्रीक के जो किताबें वगैरह टेक्स्ट पे इस्लामिक स्कॉलर्स काम कर रहे थे और इन्होंने जो पुराने ग्रीक की किताबें थी जो कि थाउजेंड्स में थी, उनको अरबिक में ट्रांसलेट कर लिया था, यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके किताबों को दिया था एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अच्छा, ये किताबें कहाँ थी, ये किताबें बगदाद के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हाउस ऑफ विजडम वहाँ पर थी, और स्पेन एक मुल्क है वहाँ पर कोदारबा एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पड़ी हुई थी। दो जगह दो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, एक हाउस ऑफ विजडम जो कि बगदाद में था और एक कोदारबा जो कि स्पेन में था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स थी ग्रीक्स की किसी भी यूरोपियन सिटी के मुकाबले में। ठीक है, ज़्यादातर टेक्स्ट कहाँ चला गया था, बगदाद में और स्पेन में था, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ था। तो यूरोपियंस ने 12वीं सेंचुरी में क्या फैसला किया कि वो स्पेन में जाते हैं और वहाँ से सारा अरबिक टेक्स्ट उठा दे, क्योंकि वो तो ग्रीक में कन्वर्ट हो चुका था ना। अब उन्होंने वापस इस अरबिक टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अपनी लैंग्वेज यानी लैटिन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ट्रांसलेट कर लिया उन्होंने। स्पेनिश लोगों ने ग्रीक के टेक्स्ट को ट्रांसलेट तो किया अरबिक में, लेकिन अपने व्यूज़ भी दिए, अपनी सोच की में के बारे में भी लिखा। ठीक है, तो यूरोपियंस ने इनकी सोच, जो स्पेनिश मुस्लिम जो सोच रखते थे ना, जो अपनी किताबें वो लिख रहे थे, अपनी थिंकिंग लिख रहे थे, उसको भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया था। इब्न रुश्द जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और उन्होंने बहुत सारी बात की थी एरिस्टोटल के बारे में, जो कि ग्रीक बंदा था, उसके बारे में बहुत सारी इसने अपने रिव्यूज़ दिए थे। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था कि इटालियंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि वो ग्रीक की जो फिलॉसफी को एक्सप्लोर करें, तो उन्होंने किसका टेक्स्ट उठाया, किसका पढ़ना शुरू किया, इटालियन से उन्होंने इब्न रुश्द की किताबें उठाई और उसको अपना स्टडी में शामिल कर लिया। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि इब्न रुश्द जो है वो ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुके थे ग्रीक की सारी किताबों को अरबिक में और वो अपनी थिंकिंग के बारे में भी लिख रहे थे, तो उन्होंने इसी को ही अपनी स्टडी में शामिल करना अकलमंदी समझा। इसीलिए इस चैनल में मैं भी यही काम कर रही हूँ कि जो टेक्स्ट है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ, ताकि हर किसी को भी अच्छे से समझ में आ सके कि क्या बात हो रही है। अब बात हो रही है कि जब लोगों ने फैसला किया कि हम एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं और एंशियंट नॉलेज को गेन करते हैं, तो उसका असर क्या पड़ा यूरोपियन रेनेसा के दौरान। ठीक है, जब ये चेंज आया तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी हुई, यानी जो है ऑल ओवर क्या हो गई, खुशहाली आना शुरू हो गई। 17वीं सेंचुरी में पेंटिंग और कल्चर में डेवलपमेंट हुई नॉर्थन यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आई, यानी इन पेंटिंग्स को बेचा गया। और ये पेंटिंग कौन बना रहा था, डच के लोग बना रहे थे, और जो कि क्या था, एक रेनेसा के कल्चर की इन्होंने बुनियाद रखी, यानी न्यू एज में, न्यू डिस्कवरी के एज में, दोबारा नॉलेज के एज में ये पहला कदम था कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को अब कल्चर के थ्रू एक्सप्लोर किया, यानी अपनी पेंटिंग्स में अपने कल्चर को, जो कुछ वो सोचते थे, इमेजिन करते थे, उसको वहाँ पे पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया, यानी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दी। और फेमस यहाँ पे फेमस डच पेंटर का नाम बताया गया है, रेम्ब्रेंड। अब क्या रहा था, पेंटिंग जो है वो एक्सपेंसिव बिजनेस बन चुका था, यानी इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा था। और इस यहाँ पे रेनेसा के लोग जो है वो पेंटिंग को गोल्ड से नहीं बनाते थे, पेंटिंग में गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था। और इस ब्लू कलर को ये लोग क्या कहते थे, अल्ट्रा मैरीन कहते थे। अल्ट्रा मैरीन ब्लू कलर कहाँ से मिलता था, लैपिस लेजुलू एक पत्थर है उसमें से निकाला जाता था, जो कि अफगानिस्तान में मिलता था। ये पत्थर कहाँ मौजूद था, अफगानिस्तान में। जो मर्चेंट्स थे, यानी जो बिजनेसमैन थे रेनेसा के, उन्होंने इसको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था इटली में। और ये किस में इस्तेमाल होता था, ये सिर्फ जो है पेंटिंग्स में भी इस्तेमाल होता था, जो कि बहुत महंगी पेंटिंग्स होती थी या वैल्यूएबल आर्टवर्क्स होता था, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था।
अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड नेविगेशन। नेविगेशन कहते हैं समुद्री रास्ते तलाश करने को कहते हैं नेविगेशन, ठीक है। बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हुई थी साइंस में भी, और जो है शिप के नए रूट्स फाइंड आउट किए गए थे, इसीलिए एक्सप्लोरर्स जो है वो कहाँ जा रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी टाइम पीरियड के लिए जर्नी करने जा रहे थे, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए कोई जर्नी समंदर की जर्नी करने गया हो। ये लोग क्यों जा रहे थे? ये लोग इसलिए जा रहे थे ताकि उन्हें नई चीज़ें पता चलें और नए रास्ते पता चलें, जिससे उनके पास पैसा भी आए और उनको मौके भी मिले, यानी अपॉर्चुनिटी भी मिले। और ये कौन लोग थे? ये लोग कोस्टल सोसाइटी थी, यानी समंदर के आसपास के रहने वाले लोग थे। और ये किनका ताल्लुक किन मुल्क से था? स्पेन, पोर्टुगल और इंग्लैंड से था। इस चीज़ को प्रमोट करने में किसका हाथ था, यानी रूट्स नए नए तलाश करने के लिए प्रमोट कौन कर रहा था? प्रिंस हेनरी कर रहा था। और ये कौन था? ये रास्ता तलाश करने वाला था जिसका ताल्लुक किससे था? पोर्टुगल से था। रास्ता कहाँ तलाश कर रहे थे ये लोग? समंदर में, ठीक है। उसने क्या करा? बहुत सारे कश्ती रानों को भेजा, यानी जो कश्तियाँ चलाते थे उनको साउथ से निकाला, उनको साउथ में थे वो लोग, उनको भेजा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। और इसने उन्हें इनक्रेज किया कि वो ओशन की स्टडी के बारे में पढ़ें और चीज़ें इन्वेंट करें या नई नई जगहें ढूंढें जो कि कोस्टल एरिया के पास हो, समंदर के पास हो, ऐसी जगहों को ढूंढ कर लाएं। फिर क्या हुआ? बहुत सारे रास्ते जो है इन्हें मिलने लगे, इंप्रूवमेंट्स इन नेविगेशन, यानी बहुत सारे समंदर की रूट्स इन्हें मिलने लगे और इनकी एडवेंचर और भी बढ़ने लगा। और इसी तरह क्या हुआ कि वो लोग स्पेन से इन्होंने किसको क्रॉस कर लिया? अटलांटिक ओशन को इस तरह उन्होंने क्रॉस कर लिया, यानी रास्ता स्पेन से अटलांटिक ओशन तक उन्होंने निकाल लिया था, क्रॉस कर लिया था। इनिशियली जो है कुछ नए रूट्स ये लोग ढूंढने गए थे एशिया के लिए, लेकिन क्या हो गया था? गए तो एशिया के लिए थे रास्ते ढूंढने के लिए, यूरोप से एशिया किस तरह जाना है समंदर के जरिए, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया, जहाँ पे उसे एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहते हैं वो बंदा है जिसने डिस्कवर किया था अमेरिका को। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिफॉर्मेशन, अ शिफ्ट इन द थॉट, यानी इंसानी सोच में तब्दीली आना शुरू हुई, ठीक है। पहले क्या था कि ये लोग पेंटिंग के थ्रू कल्चर स्टाइल्स को बता रहे थे कि पेंटिंग के जरिए मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, पुतले बना रहे थे, स्कल्पचर्स कहते हैं पुतले टाइप बना रहे थे, और आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। रेनेसा ने कुछ ऐसी की वजह से क्या हुआ कि इंसान के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आई, ऐसी सोच आई जिसने आगे चल के एक रेवोल्यूशनरी इख्तियार कर ली, मीन्स एक बड़ा चेंज नज़र आया। ये आइडियाज़ जो है वो रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इसने इनक्रेज किया लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो अपना खुदा के साथ खुद ताल्लुक बनाए। पहले वो लोग क्या करते थे? चर्च के बेस पे जो चर्च वाले कहते थे, जो पॉप कहते थे, वही करते थे। लेकिन अब इंसान ने किस तरह सोचना शुरू कर दिया था? उसने कहा था कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए खुदा के साथ, जिसमें क्या होगा कि कैथोलिक चर्च की मर्ज़ी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम कैथोलिक चर्च में जाएं तो ही हम जो है रिलीजियस ड्यूटी को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें या तभी ही हमें खुदा मिलेगा, बल्कि वो चाहते थे कि ये दुनिया को एक्सप्लोर करें ताकि वो खुदा को खुद अपने नज़रिए से देख पाएँ और उसे जान पाएँ। इसका नतीजा क्या निकला? एक बड़ा चेंज आया यूरोपियन क्रिश्चियनिटी के अंदर, और इसको रिफॉर्मेशन का नाम दिया गया। यानी जो इंसान चाह रहा था, अब वो चाह रहा था कि खुदा से उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी 1517 में, और फिर ये फैलता गया नॉर्दर्न यूरोप में, और फिर जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। अब हम पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट्स इन एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे नए रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हुई साइंस के अंदर जब लोगों ने सोचना शुरू किया और लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उस पर वो भरोसा करेंगे, ना कि जो कोई चर्च उन्हें कहता है उसकी टीचिंग्स में। यानी वो अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते थे और यकीन करना चाहते थे। एक बहुत सिग्निफिकेंट आइडिया एस्ट्रोनॉमी में आया, वो आइडिया किसने दिया था? पोलिश स्कॉलर थे जिसका नाम निकोलस कोपरनिकस का, जिन्होंने कहा कि ज़मीन सन के गर्द घूमती है, ना कि सन ज़मीन के गर्द घूमता है। कॉपनी के आइडियाज़ को अपोज किया था रोमन कैथोलिक चर्च ने, वो रोमन कैथोलिक चर्च कहता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि वो इनका कहना था कि ज़मीन जो है वो इस यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है। गैलीलियो गैलीली कोपरनिकस के बाद आने वाले साइंटिस्ट थे, उनका ताल्लुक इटली से था, ठीक है। वो लेटर इटालियन रेनेसांस साइंटिस्ट थे जो फॉलो कर रहे थे कोपरनिकस को, उनके आइडियाज़ को, और उन्होंने इस काम क्या किया था, उन्होंने टेलीस्कोप बना लिया था जिससे वो सितारों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी मूवमेंट्स को देख रहे थे। गैलीलियो का यकीन था कि सारी जो कुदरती चीज़ें हैं, जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी ना किसी कानून से बनी हैं, जिसकी जड़ें किससे जुड़ी हैं? साइंटिफिक मैथमेटिकल आइडिया से जुड़ी हैं, यानी उनको किसी ना किसी कैलकुलेशन के थ्रू सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली उसकी आइडियाज़ को कंटिन्यूसली किसने अपोज किया? चर्च ने अपोज किया, क्योंकि वो इसके नए रेनेसा के आइडिया से एग्री नहीं कर रहे थे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।